रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अम्बाला शहर में बीती रात हुई बारिश से जगह जगह हुए जल भराव, गंदगी और नालों के भराव को देखते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेश डेलीगेट मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य और पूर्व कोषाध्यक्ष रोहित जैन की अगुवाई में SWM 2016 की गाइडलाइंस के मुताबिक प्रभावी ढंग से नाले नालियों की सफाई और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने हेतु ज्वाइंट कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और इसके पश्चात रोष प्रकट करते हुए नगर निगम कमिश्नर और मेयर के कमरों के बाहर झाड़ू लगाकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम जागो और नगर निगम होश में आओ के नारे लगाए। रोहित जैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अम्बाला में ट्रिपल इंजन सरकार है, लेकिन सफाई व्यवस्था पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जिसके कारण अम्बाला ने पिछले साल 2023 में बाढ़ झेली थी। आलम इस बार भी ऐसा ही है, शहर के नालों की सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। इसके बाद झाड़ू मारा गया, क्या मामले का? देखिए, जिस सरकार द्वारा क्लेम किया जाता है कि ये डबल इंजन सरकार है, अम्बाला शहर नगर निगम की बात करें तो यहाँ ट्रिपल इंजन सरकार है, क्योंकि मेयर भी बीजेपी इसके साथ में है, उन्हीं का समर्थन करते हैं, उन्हीं के समर्थन से बने हुए हैं, लेकिन ये तीनों इंजन बुरी तरह फेल हैं। सन 2023 हम सबको याद होगा किस प्रकार भयानक मंजर था, पूरा अम्बाला शहर जुलाई में डूब गया था। क्या कारण था? क्योंकि ये नगर निगम की लापरवाही थी, जितने भी नाले नालियां हैं गाद भरा हुआ था और सफाई नहीं हुई, और आज वही हालात 2024 में दिख रहे हैं। आज जून है, 20 जून है, कल रात को ही बारिश हुई। अम्बाला शहर के कितने ऐसे एरिया जहाँ पे पानी नहीं निकला, आज अम्बाला शहर में दिखावे का काम किया जा रहा है। नाले नाले नालियां कह रहे हैं कि हमने साफ कर रहे हैं, लेकिन जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 की गाइडलाइंस हैं, जिसके मुताबिक बताया गया है कि नाले नालियों की किस प्रकार से सफाई की जाए, किस प्रकार से गाद निकालनी है, तो वो कुछ नहीं किया जा रहा। आज हम सबने मिलकर नगर निगम कमिश्नर के नाम पर ज्ञापन दिया है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और गाइडलाइंस के मुताबिक अम्बाला शहर के नाले नालियों की और पूरे शहर की सफाई हो, ताकि दोबारा 2024 में लोगों को बाढ़ का दंश ना सहना पड़े। दूसरी हमने इनसे ये मांग की है कि नगर निगम में 445 इनके कर्मचारी हैं, जिसमें से 410 कच्चे यानी कि एडहॉक बेसिस पे हैं। कच्चे कर्मचारी भी पक्के कर्मचारी जितना काम करते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें आधी हैं, काम पूरा तनख्वाह आधी से भी कम। तो हमारी ये मांग है कि उन कच्चे कर्मचारियों को भी पक्का किया जाए। तीसरी हमारी इनसे मांग है कि जो इनके कुल कर्मचारी, जैसे मैंने बताया 495 के लगभग हैं, तो वो अम्बाला शहर के मुताबिक बहुत कम है, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। क्योंकि आप लाखों रुपया करोड़ों रुपया लोगों से टैक्स के नाम पर, सफाई के नाम पर और कई तरह के जो है टैक्सेस हैं और चीज़ों के नाम पर आप लोगों से वसूल रहे हैं, लेकिन सहूलियत अम्बाला शहर के लोगों को बिल्कुल नहीं मिली। तो हमने आज प्रोटेस्ट के रूप में यहाँ पर सफाई की, नगर निगम ने इनको एक संदेश दिया है कि सब जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो इस वक्त सत्ता में हैं, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, उनको एक चेतावनी है कि देखिए अब 2024 का भी चुनाव आ रहा है, अगर आप काम नहीं करेंगे तो ये अम्बाला की जनता आपको यहाँ से भगाएगी। तो आप लोगों से, आपकी मार्फत से, प्रेस की मार्फत से मेरा इनसे अनुरोध भी है, पुनः अनुरोध है कि अम्बाला की जनता की जान और माल की रक्षा करें, बाढ़ ना हो ऐसे इंतजाम किए जाएं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके खिलाफ हम प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।